मॉर्निंग में उठे हो? मॉर्निंग में उठे हो, कितना बज रहा है? ये तो जल्दी उठी थी, 10:30 हो रहे बोलती है। 12 बज रहे, 12। हाँ, थर्ड डे। और आप क्या खा रहे हो? मेरे लिए नहीं, सबके लिए भेजे ना बेटा, सबके लिए भेजे। अरे वाती वासी ईद मुबारक। सो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नाउ टुडे इज द थर्ड डे ऑफ ईद एंड स्टिल वी आर एट नानीज प्लेस। तो अभी हम लोग सो कर उठे हैं और बज गए हैं 12, और अम्मी ने घर से बना के बहुत ही डिलीशियस सा कबाब भेजे हैं, तो हम सब उसी का नाश्ता करने जा रहे हैं। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो ये है डिलीशियस सा कबाब जो मम्मी ने घर से बना के भेजे हैं, और अभी नाश्ता करेंगे हम। चाय भी रेडी है, मुमानी ने बना दिए हैं। धोके भी डालेगी ना कपड़ा यार, इसको धो ही नहीं, ऐसी करना दी सो ये देखिए, जैसा कि आपने देखा कि अमायरा और मेरा नाश्ता हो चुका है, और बाकी एक के बाद एक जो है सब नाश्ता कर रहे हैं। और कबाब जो है बहुत ही बेहतरीन था, मम्मी ने बनाए थे, एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो नाश्ता तो एकदम मस्त जम के किया हम लोग सब। मायरा की तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है, तो ये उसको दवा दे रही है। हाँ, चॉकलेट अभी मैं देती हूँ ना आपको। मायरा को एक्चुअली चेस्ट कंडीशन है, तो इसके लिए उसे नेप देना बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर ने कम से कम 3 से 4 दिन उसे नेप सजेस्ट किया है। सो अभी उसे हम नेप दे देंगे। और माशाल्लाह से मेरा बच्चा बहुत कोऑपरेट करता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तबीयत खराब है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ ले लिए ना। पूरा तो नहीं लिया, अभी थोड़ा बचा है क्योंकि पावर अभी चली गई। आजकल का जमाना ही बहुत खराब है, पावर लोग कहाँ, इधर का नहीं। और अभी यहाँ धीरे धीरे काम शुरू हो चुका है, और हमारे पास एक बहुत ही अच्छी शेफ है अमायरा। आज इसकी फोटो नहीं निकल रहा है। हाँ रे, आज मेरे बच्चे का फोटो निकाल, इतना काम कर रही है। मटर की छीमी पूरी छील डाली मेरे बच्चे। और है ना, उस पर रखता है वो, डिस्प्ले पर रखता है उसका फोटो। मैंने वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सब हो गई, इतनी सी बाकी है ना। भाजी तोड़ोगे? इसमें फैन मत बंद करो, गरम होता है, गरम होता है, फैन ऑन करो।
सो यहाँ दूसरी तरफ जो है शीरखुरमा प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि कल सब शीरखुरमा जो है ख़त्म हो चुका है और आज हम जो है नया बना रहे हैं, मुमानी बना रहे हैं और हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। अब ये कटिंग हो चुका है, अब मैं जो है अमायरा को रेडी करूँगी। व्लॉग आया था कल, देखे थे ए? कल ईद का व्लॉग आया था। चलो 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 मायरा का मेकअप मैंने स्टार्ट कर दिया है। मामा के हाथ की मेहंदी थोड़ी निकल गई, वैसे इसलिए आप अपना अपना है ना। हमायरा जो है यूजुअली मेरे हाथ से मेकअप कभी भी नहीं करवाती है, बिकॉज उसे मेरे हाथ का मेकअप पसंद ही नहीं आता है। उसको ऐसा लगता है मैं बहुत कम चीज़ें लगाती हूँ और उसको सारी चीज़ें एकदम डार्क चाहिए, सो वो कभी नहीं करवाती है। जैसा कि आपने सुना, उसने कहा अभी मेरी मजबूरी है, मुझे आपसे कराना है। और मेरी मुमानी भी मेकअप आर्टिस्ट है, बट आज मैं अमायरा को मना कर रही हूँ, बिकॉज डेली हैवी मेकअप कराना अभी इतनी छोटी बच्चों की स्किन पे अच्छा नहीं है। सो इसीलिए मैं अमायरा को रेडी कर रही हूँ आज। मैडम का मेकअप फाइनली हो गया, अब उसे हेयर स्टाइल तो मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बनवानी है, तो वो चली अभी मुमानी के पास। क्या बनवाओगे? अच्छी सी हेयर स्टाइल कॉल करवाओ? कॉल नहीं कराने का, बाल अभी आप छोटे हो। मुमानी से पूछो। घूमो बेटा, ऊपर ऊपर बैठो। हमारा ऐसे तो एक जगह बिल्कुल नहीं बैठती है, लेकिन अभी उसका काम है, उसको बाल करवाना है, तो वो बराबर से बैठती है। अब मैडम की हेयर स्टाइल हो गई है, उसको याद आया कि मेकअप में मैंने उसे आई शेड नहीं लगाया है, सो अब वो मुझसे कह रही है आई शेड लगाने के लिए। उसमें भी उसको ऐसा है कि हल्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है,
उसको डार्क शेड लगाना है। बराबर है ना? सो फ्रेंड्स, फाइनली अमायरा जो है रेडी हो चुकी है। इसको रेडी होने में बहुत टाइम लगता है ना? ये प्रॉपर नहीं है तो शाइन नहीं है, तो बाल यहाँ से ऐसे क्यों है, ये सब अभी सेटिस्फेक्शन है। सही है ना? अभी हाँ, अभी मम्मा रेडी होएगी। ठीक है, ठीक है। मैं जा रही हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, बिकॉज आज लंच के लिए थोड़ा लेट हो चुका है। आज हम बना रहे थे दाल गोश्त, तो मैं जा रही हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। हम खाना ऊपर लाएंगे और सब लोग साथ में मिलकर खाएंगे। मम्मी लोग का काम यहाँ पे शुरू हो गया है। जब तक हम बढ़ते हैं दाल गोश्त की तरफ, देखते हैं वो हो चुका है या नहीं। हो ही चुका। अब बच्चे लोग खाना खा चुके हैं, हम जा रहे हैं ऊपर बिकॉज बहुत नींद आ रही है। अमायरा दिखा ना इसको भी, दिखा दीदी। सो आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर, आई एम गोइंग टू स्लीप। और अभी रात में जो है हम सिगरी लगाने वाले हैं। सो इंशाल्लाह अगर हिम्मत रही तो वीडियो शूट होगी, अदरवाइज बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।